हेलो स्टूडेंट्स, तो इसके पहले क्लास में हम लोगों ने वेक्टर देखा था, और वेक्टर के बारे में क्या देखा था कि दो वेक्टर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने बताया था कि दो वेक्टर को हम दो तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। देयर आर टू वेज बाय विच वी कैन मल्टीप्लाई टू गिवन वेक्टर्स। एक क्या था, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। दूसरा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। एंड क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। एक क्या मेथड है कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एंड सेकंड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो हम लोगों ने कल स्केलर प्रोडक्ट के बारे में देखा था। हमने ये देखा था कि दो वेक्टर ए एंड बी दिया हुआ है और उनके बीच एंगल क्या है, थीटा है। तो ए डॉट बी जो होता है इसको क्या पढ़ते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू क्या था, कॉस थीटा। इसके बाद हमने लास्ट में देखा था कि किसी भी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसके मैग्नीट्यूड के क्या होता है, इक्वल होता है। तो आई डॉट आई इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि आई जे एंड के इज नथिंग बट आर नथिंग बट द यूनिट वेक्टर्स along x-axis, y-axis and z-axis. क्या है, किसके along है, x-axis, y-axis and z-axis के along क्या है, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो i डॉट i लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 स्क्वायर, आई मीन क्या होगा, 1। उसी तरह j डॉट j लिखोगे तो क्या हो जाएगा, j आई मीन 1 स्क्वायर 1, और k डॉट k लिखोगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो i डॉट i, जे डॉट जे, के डॉट के का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद लास्ट में मैंने बताया था, हमने ये बताया था कि व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर, देखो तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो इसलिए व्हेन एवर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट और देयर स्केलर प्रोडक्ट मस्ट बी ऑलवेज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ हमने लिखा कि i डॉट j, देखो तो i डॉट j इनके बीच एंगल कितना है, i का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j का मतलब क्या हुआ, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो i और j के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इसलिए i डॉट j, j डॉट k, k डॉट i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा था। इसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि यदि ऐसे दिया हुआ, देखो क्या है कि इफ ए वेक्टर ए इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस क्या है, ए थ्री के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, देन ए डॉट बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए वन बी वन प्लस क्या होगा, ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। अभी कैसे होगा, आप इसको खुद से प्रूव कर सकते हो। अगला पॉइंट क्या है कि इफ क्या होगा, इफ ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, देन ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री, ये वैल्यू होगा। अब आप इसको कैसे प्रूव करोगे, प्रूफ में कैसे, देखो तो हम लिख सकते हैं या इसका कैसे लिखोगे, देखो तो या प्रूफ लिखो, ठीक है। तो ए डॉट बी यदि मुझे लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ठीक है, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। उसके बाद इसका डॉट क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे बी वन आई कैप प्लस
बी टू जे कैप प्लस बी थ्री, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करोगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, पहले इसके साथ तो देखो, तो ए वन क्या लिखेंगे, आई डॉट बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। सिमिलरली हम लिख सकते हैं ए टू जे डॉट, क्या लिख सकते हैं, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। सिमिलरली हम लिख सकते हैं ए थ्री के कैप डॉट ए वन आई कैप, सॉरी बी वन, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है आपको, देखो i डॉट i का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, लेकिन i डॉट j वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, i डॉट k वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप जब इसको सिंपलीफाई करोगे, खुद से भी सिंपलीफाई कर सकते हो, तो आप सिंपलीफाई करोगे तो हम लिख सकते हैं a डॉट b इक्वल टू, देखो i डॉट i1 i डॉट j 0, i डॉट k क्या हो जाएगा, 0। तो केवल हम क्या लिख सकते हैं, a1 वन बी वन आई डॉट आई प्लस ए टू बी टू जे डॉट क्या होगा, j प्लस ए थ्री बी थ्री के डॉट क्या होगा, k। इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो आप जब वैल्यू रखोगे तो ए वन बी वन प्लस क्या हो जाएगा, ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री इक्वल टू क्या हुआ, ए डॉट ठीक है। तो ये यदि वेक्टर क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, आई मीन कंपोनेंट्स के टर्म में दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर के टर्म में दिया हुआ है, तो हम ए डॉट बी का रिजल्ट कौन सा यूज करेंगे, ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखो, दिया हुआ हो कि इफ क्या होगा, इफ ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस क्या होगा, के कैप, एंड क्या होगा, बी इज इक्वल टू, एंड बी वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, आई आई मीन जे कैप प्लस क्या है, के कैप। देन ये पूछा गया है, देन फाइंड ए डॉट क्या है, ए डॉट बी। अब देखो ए डॉट बी पहले हम लिख दें, ए डॉट बी पहले आप कंपेयर भी कर सकते हो, तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या, पहले हम लिख लें क्या, गिवन। देखो इसको लिखोगे ए वन, ए वन इक्वल टू वन, बी वन इक्वल टू माइनस वन, एंड सी वन सॉरी ए टू इक्वल टू माइनस वन, एंड ए थ्री इक्वल टू क्या है, वन। यहाँ देखो क्या है, इसको हम लिख सकते हैं बी वन इक्वल टू क्या है, जीरो है, बी टू इक्वल टू वन, और सी टू सॉरी बी थ्री इक्वल टू क्या होगा, वन होगा। अब हम जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस क्या होगा, ए थ्री बी थ्री। और वैल्यू रख देंगे इसमें, जब वैल्यू रख करके आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो तो क्या होगा, वन इंटू जीरो प्लस माइनस वन इंटू वन प्लस, ये क्या हो गया, जीरो, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ देखो ए डॉट बी क्या हो गया, जीरो आ गया, ए डॉट बी जीरो आ गया। इससे क्या मालूम चला कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए तो दोनों वेक्टर क्या हो गए, परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ क्या आया, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। हैंस लिख सकते हैं, हैंस क्या होगा, हैंस ए इज क्या होगा, परपेंडिकुलर टू क्या होगा, वेक्टर बी, ठीक है। अब आप उसके बाद जनरली स्केलर प्रोडक्ट का जो यूज होता है वो क्या है, दो वेक्टर क्या है, स्केलर प्रोडक्ट का यूज होगा। अब देखो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
क्या यहाँ लिख लेंगे, क्या नोट में लिखेंगे यहाँ कि क्या होगा इफ वेक्टर ए इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप आर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर देन क्या होगा ए डॉट बी आई मीन क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री विल बी इक्वल टू क्या होगा जीरो। तो दो वेक्टर क्या होगा यदि परपेंडिकुलर होगा तो उनका स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा जीरो होगा जो हमने देखा था। दूसरा इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे जिसका प्रूफ हम बाद में देखेंगे लेकिन आप लिख लेना कि जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसमें जनरली इसका यूज होता है कि ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड जो है क्या है कि इफ इफ वेक्टर ए इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर बी इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप आर क्या होगा आर पैरेलल पैरेलल देन देन ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू क्या होगा बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन क्या होगा सी टू। ठीक है कभी कभी इसका भी यूज कर इसका जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आता है। जब क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये रिजल्ट कैसे आता है। इसके बाद जो इसमें थर्ड पॉइंट है उसको आपको लिखना है कि इफ क्या होगा इफ ए इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप एंड एंड वेक्टर बी इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप देन क्या होगा। देखो अब मुझे क्या करना है कि हम जानते हैं देखो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा ए ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा यही होगा ना। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा ए डॉट बी अपॉन क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखो ए वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा ए कैप डॉट क्या होगा बी कैप। ठीक है तो ये इम्पोर्टेंट ये भी पॉइंट है। तो इसके बाद हम एक जगह और देखो एक तो ये रिजल्ट लिख देंगे देखो कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू ए कैप बी कैप एक ही भी रिजल्ट हो जाएगा। दूसरा एक और रिजल्ट हो जाएगा देखो ए डॉट बी कितना होगा एक तो ये भी रिजल्ट होगा दूसरा हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री अपॉन क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर इंटू
बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर। एक एंगल हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ से हम एक यहाँ से भी रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या है, ये भी रिजल्ट यूज कर लेते हैं, कभी कभी क्या है, जनरली स्केलर प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट, यहाँ लिख लेंगे कि स्केलर, नोट में यहाँ लिखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट इज यूज्ड टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, टू दो वेक्टर के बीच जनरली जब एंगल फाइंड आउट करना होता है तो हम इन जनरल क्या यूज करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट का हम यूज करते हैं। तो देखो इसमें क्या है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहाँ इसकी जरूरत होगी। तो जब भी क्या होगा कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या होगा, पैरेलल होगा, तो आप एक तो कंडीशन ही आएगा, यहाँ से भी जीरो रख दोगे तो क्या आएगा, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री इक्वल टू ए आ जाएगा। एक तो रिलेशन है, लेकिन जनरली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। उसके बाद ए डॉट बी क्या होगा, यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम देखते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है आप, और ये भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं पहले हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इस पर, उसके बाद हम आएंगे। जैसे कि एग्जांपल देखो कि इफ क्या है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस क्या होगा के कैप, देन देखो यही सब चीज, देन फाइंड ई में क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, बी में क्या दिया हुआ है, फाइंड ए डॉट बी, सी में दिया हुआ है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। आपको देखो यही सब चीज अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो तो सभी कॉन्सेप्ट का यूज हो जाएगा एक न्यूमेरिकल। तो हम यहाँ आप लिख सकते हैं, देखो ध्यान से कि सॉल्यूशन में क्या है, पहले तो देखो कोई वेक्टर दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं, देखो दिया हुआ है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस क्या होगा, ए थ्री स्क्वायर, यही होगा। अब यहाँ ए वन कितना है, टू है, तो टू स्क्वायर प्लस कितना होगा, थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, फोर प्लस नाइन प्लस सिक्सटीन, कितना हो जाएगा, ये 29, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया, स्क्वायर रूट ऑफ 29। उसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर, अब वैल्यू रखो तो क्या होगा, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट थ्री, ठीक है, कितना होगा, रूट थ्री आ जाएगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं, देखो ए डॉट बी आप जब कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस क्या है, ए थ्री बी थ्री। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ ए वन बी वन ए टू बी टू ए थ्री बी थ्री का जो वैल्यू रखोगे तो साइन के साथ रखना, ठीक है। अब देखो ए वन कितना है, टू है, तो टू इंटू वन प्लस थ्री इंटू क्या है, माइनस वन प्लस फोर इंटू क्या है,
नहीं प्लस वन है और यहाँ क्या है माइनस वन, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा, टू प्लस थ्री माइनस क्या होगा फोर, आई मीन कितना हुआ वन आ गया, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देखो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इसका वैल्यू जब लिखोगे तो ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री अपॉन क्या लिखोगे, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखोगे बी वन स्क्वायर प्लस क्या होगा बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री, ये सब वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी। तो हम अब आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, जैसे देखो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी का वैल्यू मालूम है, ये कितना है आई मीन 29 और ये कितना है 3, आई मीन कितना हुआ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 8 से, यही क्या एंगल, दिस इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड एंड वेक्टर क्या मिला, दो वेक्टर के बीच क्या हुआ एंगल अपने को मालूम चल गया। तो ऐसे हम क्या करते हैं यूज करते हैं इस रिलेशन को, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल देखो आप कि दिया हुआ है, एग्जांपल एक और देख लो कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या है अल्फा आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस एट के कैप, ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर क्या दिया हुआ है आर परपेंडिकुलर, देन फाइंड एंगल बिटवीन नहीं देन फाइंड एंगल बिटवीन ए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है अल्फा, ये दिया हुआ है कि दोनों वेक्टर क्या है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर है, दिया हुआ है क्या दिया हुआ है बोथ वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कभी कभी ऑर्थोगोनल भी आता है, ऑर्थोगोनल का भी मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, तो ये दिया हुआ है। तो अब देखो दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि क्या होगा, हम कि इफ तो क्या होगा व्हेन ऐसे लिखेंगे इफ क्या होगा इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू क्या होगा वेक्टर बी देन क्या होगा ए डॉट बी विल बी क्या होगा जीरो, दैट इज ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री विल बी इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा। अब देखो तो यहाँ से कैलकुलेट करो तो अल्फा इंटू वन ठीक है प्लस टू इंटू फोर ठीक है प्लस माइनस एट इंटू माइनस थ्री इक्वल टू क्या होगा जीरो, तो अल्फा प्लस एट प्लस 24 इक्वल टू जीरो, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा माइनस 32। यदि अल्फा का वैल्यू माइनस 32 हो जाए तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि तो आप इस पे आज मैं डीपीपी दूंगा आप लोगों को, इसी पे स्केलर प्रोडक्ट पे बेस्ड है, तो आप इस पे प्रैक्टिस करना और जो डाउट होगा वो मुझे आप सेंड कर सकते हो, और डाउट नहीं हो रहा है तो सबसे अच्छी बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, पूरा समझ में आ रहा है कहीं भी पर। देखो डाउट नहीं होता है इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो मुझे बहुत समझ में आ रहा है पूरा, और नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है, तभी तुम जानते हो कि या तो तुमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए जो भी डाउट हो हेजिटेट मत करो तुम लोग, छोटा से छोटा भी डाउट हो तो तुम पूछो, पूछना जरूरी है, डाउट क्लियर होना चाहिए, तभी आपका इस सब्जेक्ट में क्या होगा इंटरेस्ट डेवलप होगा, अदरवाइज इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा।
ठीक है, तो इसलिए आप जो भी मैं शीट देता हूँ, आई थिंक कल भी मैंने आप लोगों को एक डीपीपी भेजा था, जिसमें से मुझे लग रहा है कि कुछ ही लोगों जो आई थिंक एक दो लोग होंगे जो सॉल्व किए होंगे, 1, 2, 3, 4 स्टूडेंट्स होंगे जो सॉल्व किए होंगे, अदरवाइज किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। अब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है इसका मतलब क्या है कि वो एडमिशन ले लिया, उसको पढ़ना नहीं है, और पढ़ रहा है तो दिखा नहीं रहा है, तो दिख जाएगा यार, टीचर से कोई छिप करके कहाँ जा सकता है। तो उसके बाद देखो, अभी अपने को अगला जो हम पॉइंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि प्रोजेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अदर वेक्टर, ये भी पूछा जाएगा आपसे, है ना। अब देखो क्या है, प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ, शेडो, आपको ये याद रखना है कि लेंथ ऑफ शेडो ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर वेक्टर इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑन दैट वेक्टर। तो अभी देखो यही क्या है, एक वेक्टर दिया हुआ है, यही हमने ये वेक्टर मान लिया, आप बोलोगे सर इतना बड़ा ऐसे ही, और ये क्या है दूसरा वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर क्या है बी, दिस इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। तो आपको यदि कोई पूछे कि इसका प्रोजेक्शन इस पे कितना बन रहा है, तो आप क्या करो, इधर से लाइट जब फॉल कराओगे, इधर से लाइट फॉल कराओ, जब लाइट फॉल कराओगे, है ना, लाइट इज, तो आप देखेंगे कि इसका जो इस वेक्टर का वेक्टर बी का इस पे शेडो जो बनेगा यही बनेगा, है ना, यही क्या हुआ। यदि मैं इसको एम मान लूं और इसको ओ मान लूं, तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ, ऐसे लिख सकते हो, दिस इज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन क्या है वेक्टर, ठीक है। अब आपसे कोई, तो अब हम लिख सकते हैं कि प्रोजेक्शन क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो तो ओ एम, ओ एम क्या है, ठीक है। अब ओ एम इक्वल टू, देखो ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो तुम लिख सकते हो यहाँ कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ओ एम, ओ एम अपॉन क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो यहाँ से ओ एम तुमको मालूम चल जाएगा। तो देखो हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या होगा कॉस थीटा, तो यही क्या मिला तुमको, किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन क्या होगा। तो क्या है, आपको जब भी प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे, तो क्या करो, मैग्नीट्यूड उस वेक्टर का कैलकुलेट कर लो और दोनों के बीच एंगल कैलकुलेट कर लो और कॉस थीटा से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो यही क्या मिला, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ क्या होगा ए। यहाँ और भी हम लिख सकते हैं, देखो तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, अपने को मिला बी कॉस थीटा। इसको ऐसे भी शायद लिख सकते हैं, देखो इसको हम एक इक्वेशन मान लें, तो हम जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या होगा कॉस थीटा। यहाँ देखो हम लिख सकते हैं बी, क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं ए डॉट क्या होगा बी डिवाइडेड बाई क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब इसको यदि मैं सेकेंड इक्वेशन लिखूं, तो अब लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो प्रोजेक्शन
of vector b on vector a is equal to क्या मिला b cos theta equal to a dot b upon क्या मिला magnitude of vector. अब देखो जिसपे प्रोजेक्शन निकालना है उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है डिवाइड कर देना है. तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आप आपको मिलेगा जब डीपीपी सॉल्व करोगे तो इस टाइप का क्या होगा प्रॉब्लम मिलेगा. तो हम सिमिलरली भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं सिमिलरली. देखो अब मुझे ए का बी पे प्रोजेक्शन लिखना हो तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली. सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए ऑन क्या होगा वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा देखो तो ए कॉस थीटा इंटू क्या लिखेंगे ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्या लिखेंगे. ये अभी जो हम प्रोजेक्शन लिख रहे हैं वो क्या चीज में मिलेगा अपने को स्केलर में लिखे ठीक है. तो स्केलर में हमने क्या किया ये प्रोजेक्शन लिखा. ये दोनों रिजल्ट क्या है इंपॉर्टेंट है. ध्यान देना है कि जिस पे प्रोजेक्शन लिखना है पहले तो तुमको क्या करो आइदर ए का प्रोजेक्शन बी और बी का प्रोजेक्शन ए पे कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका ए डॉट बी फाइंड आउट करना. क्या फाइंड आउट करना ए डॉट बी. और ए डॉट बी जैसे ही मिल गया बी का प्रोजेक्शन मुझे ए पे कैलकुलेट करना है तो जिस पे प्रोजेक्शन पूछा जाए उसके मैग्नीट्यूड से क्या है डिवाइड करना है. देखो जैसे यहाँ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए तो ए डॉट बी अपॉन क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए. उसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इक्वल टू क्या होगा ए डॉट बी अपॉन क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ क्या होगा बी होगा ठीक है. तो ये प्रोजेक्शन हमने क्या निकाला स्केलर फॉर्म में है. प्रोजेक्शन इन क्या है स्केलर फॉर्म. अब हम क्या लिखेंगे प्रोजेक्शन इन वेक्टर फॉर्म. तो लिख सकते हैं अब यहां प्रोजेक्शन इन क्या होगा वेक्टर ठीक है. अब देखो यही दिया हुआ है प्रोजेक्शन को अपने क्या करना है वेक्टर फॉर्म में लिखना है. यही मैंने क्या है डायग्राम ड्रॉ किया था यही दिस इज नथिंग बट द वेक्टर ए एंड दिस इज नथिंग बट द क्या है वेक्टर यहां और दिस इज नथिंग बट द थीटा. तो हम यहां लिख सकते हैं कि ए कैप का मतलब क्या होगा वेक्टर ए अपॉन क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आप जानते हैं. दिस इज नथिंग बट द क्या है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ठीक है. उसी तरह हम यहां लिख सकते हैं बी कैप इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वेक्टर बी डिवाइडेड बाय क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ठीक है. अब देखो यही शेडो बन रहा है यही बन रहा है ना. आई मीन कितना बी कॉस थीटा ए इसके अलोंग. तो देखो तो वेक्टर ए के अलोंग क्या होगा जब मुझे वेक्टर में मल्टीप्लाई करना जब मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना रहता है किसी भी क्वांटिटी को तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है. मैग्नीट्यूड जब अपने को मालूम है तो उसकी डायरेक्शन में हम यदि यूनिट वेक्टर से क्या करें मल्टीप्लाई. अब देखो तो ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा ए कैप होगा. तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं देखो प्रोजेक्शन. अरे किसके डायरेक्शन में लिखना है यही है ना प्रोजेक्शन इसके डायरेक्शन में लिखना है. तो हम क्या लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ क्या होगा वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए. ये देखो क्या लिखेंगे बी कॉस थीटा इंटू ए कैप ठीक है. इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखो ए डॉट बी ठीक है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए डॉट ए कैप का डेफिनेशन लिखो इधर से तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ठीक है. तो ये साथ जब आप लिखोगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा. देखो जो भी मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है
वो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इक्वल टू क्या मिला, देखो ध्यान से, एक तो मिला ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप इक्वल टू ए डॉट बी इंटू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। ये देखो आपको क्या मिला, प्रोजेक्शन इन वेक्टर फॉर्म, क्या मिला है, प्रोजेक्शन इन वेक्टर। तो कभी कभी स्केलर फॉर्म में पूछा जाएगा ये क्या हुआ, प्रोजेक्शन इन वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ क्या लिखेंगे, बी इंटू बी कैप, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी इंटू क्या हुआ अपॉन बी स्क्वायर इंटू, ये भी क्या मिल गया आपको, वेक्टर में मालूम चला। प्रोजेक्शन क्या चीज में मालूम चला, वेक्टर फॉर्म में मालूम चला। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इन वेक्टर, ठीक है। तो एक पॉइंट ये रहा जो आपको जान। अब एक दूसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रोजेक्शन, दूसरा इसमें क्या पॉइंट पूछा जाता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द अदर वेक्टर। तो अगला जो इसमें एक टाइप है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, अदर वेक्टर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अभी यहां हम यूज करेंगे, इसका भी यूज करेंगे। एक तो वेक्टर ही हमने मान लिया, दूसरा वेक्टर क्या है, ए बी है, इनके बीच एंगल थीटा है। अब परपेंडिकुलर शेडो क्या बनेगा, देखो इसके परपेंडिकुलर शेडो क्या बनेगा, यदि आप लाइट को इधर से फॉल कराओगे, है ना, तो देखो यही क्या होगा, इसका शेडो बनेगा, जो इस वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर बनेगा। तो यही क्या होगा, दिस इज क्या होगा, एम ए ओ हुआ। तो हम ये अभी जानते हैं कि ये क्या होगा, दिस विल बी नथिंग बट द क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, आई मीन बी ऑन वेक्टर ए, और दिस इज नथिंग बट द, यदि मैं इसको पीएम कंसीडर कर लूं, ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, प्रोजेक्शन, आई मीन इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो बी साइन थीटा लिख सकते हैं, और ये क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा, है ना। तो दिस इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ क्या होगा, वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर, ठीक है। अब देखो यदि एंगल दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप बी साइन थीटा बी कॉस थीटा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि एंगल नहीं दिया हुआ है तो अपने को कुछ करना पड़ेगा। अब देखो, अब हम सिंपल, ये आपके अपने को मालूम है, यदि मैं वेक्टर एडिशन से जाऊं तो ऐसे सोच सकता हूं, तो एक तो है कि देखो क्या होगा, पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा,
बी साइन थीटा हो जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए क्या होगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और उनके बीच एंगल दिया हुआ है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना कि जब आपको वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए तो आप यूनिट वेक्टर से, जैसे यूनिट वेक्टर से हमेशा क्या करना, मल्टीप्लाई करना। इसके बाद एक और पॉइंट है इसमें, क्या दिया हुआ है, हाँ आप देखो क्या है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए इज गिवन एज, गिवन एज कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। ठीक है ये, तो बी निकाल लो, साइन थीटा निकालो और लिख दो। लेकिन अब हम क्या करेंगे, दूसरे मेथड से भी हम सोच सकते हैं। देखो अपने को मालूम है तो हम वेक्टर एडिशन से लिख सकते हैं। देखो क्या लिख सकते हैं कि नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है तो हम लिख सकते हैं, देखो तो क्या लिख सकते हैं, ओ एम वेक्टर प्लस क्या होगा, एम पी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ओ पी, यही होगा। मुझे क्या निकालना है, एम पी वेक्टर निकालना है, हाँ एम पी वेक्टर निकालना। तो एम पी वेक्टर इज इक्वल टू, क्योंकि देखो यही, ये जितना लेंथ होगा उतना ही क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, प्रोजेक्शन क्या होगा इस वेक्टर के, यही होगा ना प्रोजेक्शन। तो यही अपने को लेंथ कैलकुलेट करते हैं, एम पी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो ओ पी माइनस क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एम पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर कितना होगा, देखो ओपी वेक्टर कितना होगा, वेक्टर बी माइनस ओ एम वेक्टर। ओ एम वेक्टर क्या लिख सकते हैं, ओ एम इंटू क्या लिख सकते हैं, ओ एम इंटू ए कैप लिख सकते हैं यार, क्योंकि ओ एम अपने को मैग्नीट्यूड मालूम है और ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप होगा। अब हम और भी लिख सकते हैं इसको, देखो बी माइनस बी कॉस थीटा इंटू ए कैप, एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बी माइनस क्या होगा, क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन ए, आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, b माइनस क्या होगा, a डॉट b इंटू क्या होगा, वेक्टर a डिवाइडेड बाई क्या होगा, यही क्या होगा तुमको एम पी मालूम। तो एक तो हम इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इस मेथड से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, यही मैं लिख देता हूँ है ना, यहाँ कि इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू वेक्टर। ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखना है। सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी क्या करना है, ए और बी को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए और बी को क्या करना है आपको, इंटरचेंज कर देना। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप जब डी पी भी सॉल्व करोगे या कोई बुक भी सॉल्व करोगे तो आप उसमें एक टाइप भी मिलेगा। ठीक है तो आज मैं आप लोगों को डी पी पी सेंड करूँगा, उसमें एक क्वेश्चन होगा, आप ट्राई करना, नहीं आएगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और मुझसे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन अब क्या होगा, वर्क स्केलर प्रोडक्ट, तो क्या होगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ क्या होगा,
वर्क सॉरी एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं लेकिन हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में जनरली पूछा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे तो पहला एप्लीकेशन क्या है कि बाय यूजिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या है टू वेक्टर्स वी कैन कैलकुलेट वर्क डन बाय द क्या होगा बाय द फोर्स ठीक है फर्स्ट एप्लीकेशन ये है तो कैलकुलेशन अब क्या होगा वर्क सिंपल क्या होगा बाय यूजिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वी कैन कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स आप लोग जानते भी होंगे या जो लोग नहीं जानते हैं क्योंकि जो लोग शायद 9th क्लास में ही पढ़ना है वर्क पावर एनर्जी इवन जो लोग सीबीएसई से हैं आई डोंट नो स्टेट बोर्ड के बारे में मुझे मालूम नहीं है लेकिन जो लोग सीबीएसई से 9th पढ़े हुए हैं वो 9th क्लास में ही वर्क पावर एनर्जी एक चैप्टर होता है वहाँ इसके बारे में हम पढ़ते हैं ठीक है अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको जानना चाहिए तो देखो यही क्या है कोई ऑब्जेक्ट है आई मीन ब्लॉक है ये क्या है ब्लॉक है अब ये मत सोचो कि सरफेस कैसा है मुझे कोई मतलब नहीं है सरफेस स्मूथ है क्या है ये जब बाद में हम देखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो देखो यहाँ क्या है कुछ एंगल पे यही क्या है दिस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ ये फोर्स ऐसे लग रहा है और ऑब्जेक्ट मूव कैसे करेगा अरे ऑब्जेक्ट ऐसे ही मूव करेगा ना यार हॉरिजॉन्टल ठीक है अब फोर्स देखो कांस्टेंट भी हो सकता है वेरिएबल भी हो सकता है लेकिन अभी उसके बारे में हम डिटेल नहीं पढ़ेंगे कांस्टेंट होगा वेरिएबल अब ऑफ कोर्स जब क्या करोगे ये क्या होगा ये इनिशियल जब यहाँ से फोर्स क्या करोगे आप उसको फोर्स अप्लाई करके खींचोगे तो ये क्या होगा मूव करेगा तो इसका इनिशियल पोजिशन है कुछ टाइम के बाद ब्लॉक यहाँ पहुँच जाएगा है ना कहाँ पहुँच जाएगा यहाँ पहुँचाएगा तो अगेन जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ऐसे ही रहेगा फोर्स का डायरेक्शन तो फिक्स है इसके बीच एंगल क्या होता है अब देखो यहाँ से यहाँ ये ब्लॉक मूव कितना किया मान लो कि ब्लॉक कितना मूव किया एस या चलो क्या कंसीडर कर लें डी मान लेते हैं ठीक है ये डी ब्लॉक कितना मूव किया डी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा डी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक वन डायमेंशनल में हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होता है जब पार्टिकल एक तरफ मूव करता है तो डी डिस्प्लेस हुआ क्या है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एफ जो ये ब्लॉक है वो कितना डिस्प्लेस हो गया डी डिस्प्लेस हो गया तब हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स वर्क क्या होगा वर्क डन बाय क्या होगा वर्क डन बाय द क्या होगा बाय द फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा डब्ल्यू एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो दिस इज नथिंग बट द क्या होगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ठीक है तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं देखो तो W आई मीन वर्क डन बाय द फोर्स इक्वल टू F डॉट D डॉट इक्वल टू हम क्या लिखेंगे देखो F D इंटू क्या होगा cos थीटा ठीक है क्या होगा F D इंटू क्या होगा cos थीटा ठीक है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स
मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डी डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन फोर्स, आई मीन एफ एंड क्या है, डी। ठीक है, क्या है, एफ एंड क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। तो जब भी क्या होगा, वर्क कैलकुलेट करना होगा, और दिस इज नथिंग बट द वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द क्या होगा, बाय द। तो अभी क्या है, अब ये मान लो ये दिया हुआ है आप, ठीक है, ये समझ में आया कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसे वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जनरली आपसे ये पूछा जा सकता है ना, देखो फोर्स क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन अभी आपको कांस्टेंट ही फोर्स पढ़ना है, वेरिएबल नहीं पढ़ना है। वेरिएबल वर्क पावर एनर्जी एक अलग चैप्टर, वहाँ हम पढ़ेंगे। तो ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही क्या होता है, वर्क डन बाय द फोर्स होता है। तो आप देख सकते हो कि वर्क डन क्या हो सकता है, किसी भी फोर्स के द्वारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, अब यदि आप यहाँ देखोगे क्या कि इफ, अब इसी पे देखो क्या लिखेंगे, इफ इफ एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स आई कैप प्लस क्या होगा, एफ वाई क्या होगा, जे कैप प्लस एफ जेड क्या होगा, के कैप, एंड डी इक्वल टू क्या होगा, आई मीन ऑब्जेक्ट जो स्पेस में मूव कर रहा हो, डी इक्वल टू क्या होगा, डी इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई, या ऐसे लिख लो आप, एफ वन एफ टू लिख लो सबसे अच्छा है, एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री क्या होगा, के कैप, और डी इक्वल टू क्या है, डी वेक्टर इक्वल टू क्या है, डी वन आई कैप प्लस क्या है, डी टू जे कैप प्लस डी थ्री। आई मीन देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन मूव करेगा, हम जनरल केस से ले रहे हैं, जनरली जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अभी क्या है, फोर्स क्या है, कंपोनेंट्स के टर्म में दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर के टर्म में दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, यूनिट वेक्टर के टर्म में दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एफ क्या होगा, वर्क डन, वर्क डन आई मीन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डॉट क्या होगा, डी, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, देखो एफ वन डी वन प्लस क्या होगा, एफ टू डी टू प्लस एफ थ्री डी थ्री, जो मैंने पहले ही मैं बता चुका हूँ। तो हम इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज वर्क डन बाय द फोर्स। तो वर्क डन बाय द क्या होगा, बाय द फोर्स। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल इसमें होगा कि देखो क्या है, एक सेकंड एग्जांपल एक पूछा जा सकता है कि व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन स्पेस, इसी क्वेश्चन को लेकर के देखो क्या है कि ये वाई है और ये क्या है एक्स है, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लो कि पार्टिकल क्या है, ऐसे ही क्या दिया हुआ है, एक पाथ दिया हुआ है, ऐसे ही मान लो कि क्या एक पाथ दिया है, यहाँ ये ए पॉइंट है और एक क्या है बी, इसका पोजिशन वैक्टर क्या है, चलो एक्स आई, इसको हम आई लिख रहे हैं, वाई आई और सी है, इसको लिख रहे हैं, इसका जो पोजीशन बी पॉइंट का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, एक्स एफ वाई एफ और ये क्या होगा, जेड। ठीक है, अब दिस इज ओ ए एंड दिस इज क्या होगा, ओ बी, और कोई पार्टिकल है, पार्टिकल को हम कैसे मूव करा रहे हैं, जैसे मान लो कि यही क्या है, एक ब्लॉक, यहाँ एक पार्टिकल है ना, यहाँ ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और फोर्स लग रहा होगा, फोर्स, ठीक है, फोर्स दिया हुआ है कि फोर्स ऐसे ही क्या है, ऐसे मूव कर रहा है, एक फोर्स के। अब आपसे कोई पूछे कि फाइंड द वर्क डन बाय द पार्टिकल व्हेन क्या होगा,
find the work done by the force when the particle move from A to B. यहाँ देखो क्या होगा, वर्क डन, वर्क डन बाय द क्या होगा, बाय द फोर्स एफ इन मूविंग फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम पॉइंट ए टू क्या होगा, ए टू पॉइंट, यही पाथ है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो इनिशियल टू फाइनल, तो इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है, तो इनिशियल टू क्या होगा फाइनल, यही क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नथिंग बट द क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो आप यदि डी वेक्टर लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, आई मीन डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा एवी वेक्टर, और इसको आप आसानी से लिख सकते हो, कल ही बताया था एक्स एफ माइनस एक्स आई आई कैप प्लस क्या होगा वाई एफ माइनस वाई आई जे कैप प्लस क्या होगा, प्लस जेड एफ माइनस क्या होगा जेड आई क्या होगा, ठीक है। ए डिस्प्लेसमेंट मिले, देखो एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इनटू आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इनटू जे कैप, जेड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस इनटू क्या हुआ के कैप, तो डी वेक्टर एफ अपने को मालूम है, एफ मान लो कि क्या दिया हुआ है एफ, यहाँ आप मान लेना कि एफ क्या दिया हुआ है एफ वन आई कैप प्लस क्या है एफ टू जे कैप प्लस क्या होगा एफ थ्री के कैप, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या दिया है एफ वन आई कैप प्लस क्या होगा एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री। अब हम लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा एफ वन इंटू एक्स एफ माइनस एक्स आई प्लस एफ टू इंटू क्या होगा वाई एफ माइनस वाई आई प्लस एफ थ्री इंटू क्या होगा जेड एफ माइनस क्या होगा जेड, ठीक है। यही क्या हो गया वर्क डन मान चलिए। तो इससे भी आप जब डीपीपीआई देखोगे तो उसमें इससे भी रिलेटेड क्या होंगे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, इसके बाद एक और एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ पावर बाय यूजिंग क्या होगा, तो पावर इक्वल टू, यदि आपको पावर इक्वल टू यदि मिल जाए क्वेश्चन में तो आप सॉल्व कर लेना आज केवल पी इज इक्वल टू क्या होगा एफ डॉट क्या होगा वी, दिस इज नहीं द पावर, ठीक है, और v क्या है वेलोसिटी और f क्या है फोर्स, ठीक है। तो आप ये पॉइंट जो है देख लेना, और इससे क्या है आज ही जो मैं सीट आज भेजूंगा आप उसको क्या करना आज खुद ही क्या करना सॉल्व करना। तो जब भी क्या होगा कोई पार्टिकल यदि स्पेस में मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एफ फ्रॉम ए टू बी देन द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल और ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस रिजल्ट, ठीक है। और पावर जो होगा पावर डिलीवर या पावर सप्लाई बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होगा एफ डॉट वी, तो इसको भी सिमिलर तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे मेथड से कैसे वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, आई मीन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, थैंक यू।